हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ट्रेक विद निशु। गाइस, आज की मैं कोर्स की बात करूँ ना तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है गाइस और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट के लिए है। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस, बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। सो गाइस, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये कोर्स के बारे में मैं डिटेल्स में बताती हूँ गाइस, तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप सोच रहे हैं गाइस, MCA का फुल फॉर्म जो होती है वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ये कितने बेस्ट कोर्स है, और ऐसे सभी कोर्सेस बेस्ट होते हैं, बट मैं इसके बारे में जो डिटेल्स में बताऊंगी गाइस, आपको लगेगा कि हाँ बेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो जनरेशन है गाइस, कंप्यूटर का इतना ज़्यादा वैल्यू हो गया है ना, हर काम जो होती है, हर वर्किंग, हर क्षेत्र में हर वर्किंग आजकल कंप्यूटर के द्वारा होती है। हर घर में, हर ऑफिस में, हर स्कूल, हर कॉलेज में कंप्यूटर होना ही होना है। तो आप सोच रहे हैं कि ये कितने पॉपुलर कोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और प्रत्येक ऑल जो वर्किंग है वो कंप्यूटर से ही की जाती है। तो आजकल के जनरेशन में कंप्यूटर कितना वैल्यू, आप समझ रहे हैं गाइस। तो इसकी हम लोग क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने साल की कोर्स होती है, इन डिटेल्स में जानते हैं। तो मैंने तो बताया MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये कोर्स है गाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ग्रेजुएशंस कोर्स है, मतलब आप ग्रेजुएशंस कंप्लीट करने के बाद ये कोर्स आसानी से कंप्यूटर में एप्लीकेशंस कर सकते हैं। आप ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर बनाने का आपको ट्रेंड किया जाता है गाइस, मतलब आप जब ये कोर्स करेंगे तो आपको कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन होता है ना, उसमें आपको मास्टर बना दिया जाता है। इसके लिए आपको तैयार किया जाता है, आपको ट्रेंड किया जाता है, जिसमें आप किसी भी कंपनी का एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे ये कोर्स करने के बाद कोई भी कंपनी उसका आप फटाक से एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं ये कितने साल की होती है, तो ये 3 साल की होती है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में 12वीं के बाद भी ये कोर्स कराई जाती है, तो आप 12वीं के बाद ये अगर कोर्स करते हैं तो 4 या 5 ईयर्स की होगी, किंतु आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करते हैं तो 3 ईयर्स की होगी गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ग्रेजुएशन में कितने परसेंट चाहिए, तो 55% होने से ही आप इजीली तरीके से इस कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है, मतलब आपको दोनों तरीके से ट्रेन कराया जाता है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल, तभी तो आप एप्लीकेशंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों तरीके से ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ये आपको सेमेस्टर वाइज होती है। सपोज़ आप जैसे हम लोग की ग्रेजुएशंस में आपने जैसे देखा होगा ना, सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर वाइज होती है, आपको सेमेस्टर वाइज कराई जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सिलेक्शंस, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको पास भी इसमें होना होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था गाइस, ये बहुत ही मस्त कोर्स था जिसमें आपको एक कंप्यूटर का एप्लीकेशंस का मास्टर बनाने का ट्रेन किया जाता है इस कोर्स में। गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।